जय श्री राम फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी 5 बजे, और मैं सबसे पहले यहाँ पे पानी भर रही हूँ, क्योंकि पानी गर्म करके मम्मी पापा सबको देना है। और मैं झाड़ू उठते के साथ ही मैं लगा ली थी फ्रेंड्स, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं गैस पे पानी हल्का डाल देती हूँ, जो कि हमेशा की तरह आप लोग मेरे पुराने वीडियोज़ में आपको देखने के लिए मिला होगा। तो यहाँ पे मैं गरम पानी कर देती हूँ, तो गरम पानी हो जाएगा तब मैं फिर मम्मी पापा सबको मैं गरम पानी दे दूँगी। और ईशाना और खुशी अभी तक सोई हुई है, तो अभी मैं नहीं उठाई हूँ, क्योंकि अभी सुबह के 5 ही बज रहे थे, इसलिए मैं उन लोगों को नहीं उठाई। और फ्रेंड्स, अभी भी ना ठंड है, सुबह सुबह ठंड लगती है, तो इसलिए मैं ना स्वेटर पहन ली हूँ। और एक तरफ मैं दूध भी चढ़ाती हूँ गर्म होने के लिए, ताकि दूध भी गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, तो मैं मम्मी पापा सबको पानी दे दूँगी। तो मम्मी चली गई थी वॉशरूम, तो इसीलिए मैं सिर्फ पापा जी को ही पानी अभी दे के आऊँगी। फिर जब मम्मी जी आ जाएंगी, तब मैं उनको भी पानी दे दूंगी। और तब तक मैं अपना जो दूसरा काम है वो सब मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए कि पानी मैं दे के आ गई हूँ पापा जी को, और यहाँ पे मैं चढ़ा देती हूँ चाय, ताकि जब तक पानी पियेंगे तब तक चाय भी हो जाएगी। तो चाय सुबह का तो रोज का है फ्रेंड्स, चाय हमेशा मेरे घर में बनती ही है। सुबह सुबह चाय, मैक्सिमम लोगों के घर में सुबह सुबह चाय ज़रूर बनती है फ्रेंड्स, तो मेरे घर में भी चाय डेली कई है। तो फ्रेंड्स, मुझे ना इन लोग वॉइस भी रिकॉर्ड करने नहीं देते हैं, आप लोग को आवाज़ आ ही गई होगी, मम्मा मम्मा चिल्ला रही है दोनों। तो यहाँ पे मैं अपना पानी पी ले रही हूँ, और उसके बाद फिर बाकी का जो काम है मैं वो अपना कंटिन्यू करूँगी। फ्रेंड्स, मैं जितने भी बर्तन धुले हुए थे, जो कि कल शाम को धुले हुए थे, वो सारे बर्तन मैं यहाँ पे हटा दूँगी, क्योंकि रात में मैं ईशाना को पढ़ा रही थी फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए खिड़की के पास की हल्का हल्का उजाला होने लग गया है, यानी कि सुबह हो रही है। और मैं फटाफट से बर्तन सारे हटा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे ना आप लोग को एक चीज़ बतानी है कि ये जो मसाला वाला डब्बा आप लोग देख रहे हैं ना, ये इतना बेकार है फ्रेंड्स। आप लोग अगर चाहते हो लेना तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इसमें कुछ भी रखेंगे ना फ्रेंड्स, तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। मैंने बहुत ही, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए मैं ली थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब निकला। जितने भी मसाले मैं सब रखी थी ना, सब में कीड़े लग गए थे, तो सबको मम्मी साफ़ कर करके रखी थी। हम ऑनलाइन देखते हैं फ्रेंड्स चीज़ें, तो जो हमें अच्छी लगती है हम ले लेते हैं, हमें लगता है कि हमें हमारा यूज़फुल चीज़ है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। जब आप उसको यूज़ करते हैं ना, तब रिज़ल्ट पता चलता है कि वो अच्छा है या ख़राब है आपके लिए। तो मैंने भी बहुत शौक से ही लिया था, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब निकला। देखिए, सारे मसाले अलग करके रखे हुए हैं, जिसमें कि सारे में कीड़े लग गए थे, ख़राब हो गए थे। तो इसीलिए आप लोग भी अगर सोच रहे हैं वैसा लेने का, तो आप लोग मत लीजिएगा। मैंने मीशो से लिया था, बाकी कुछ भी आप ले लीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें इस तरह के डब्बे मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेकार रहती है, ख़राब हो जाते हैं मसाले, आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख लीजिए कि मैं मम्मी जी को चाय और पानी दे के आ गई हूँ, बिना चीनी वाली चाय। और अब मैं पापा जी के लिए, अपने लिए इसमें चीनी डाली हूँ, तो पापा जी को भी चाय में दे के आ जाती हूँ, फिर मैं भी चाय पी लूँगी। तो यहाँ देख लीजिए कि मैं भी बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए।
पे देख लीजिए फ्रेंड्स कि मैं मम्मी जी को सुबह सुबह काम पे लगा दी हूँ, उनको गोभी कद्दूकस करने के लिए कह दी हूँ ताकि गोभी पराठा मैं बना सकूँ। और मैं नूडल्स बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए ताकि बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे, तो दो नूडल्स इनफ है फ्रेंड्स, क्योंकि रात की रोटी भी बची थी तो वही सब मिक्स करके खा लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये वाई वाई नूडल्स में इस तरह के मसाले रहते हैं और इसमें ना अलग से ऑयल भी मिलता है फ्रेंड्स। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं बिना ऑयल का ही बनाती हूँ और जो नूडल्स के पैकेट में जो ऑयल मिलता है ना वही मैं डाल देती हूँ। तो अलग से कुछ भी फ्राई व्राई मैं नहीं करती हूँ, मैं पानी डाल देती हूँ, उसके बाद सारे मसाले डाल देती हूँ, फिर मैं नूडल्स डाल देती हूँ। तो ऐसे भी ना फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी और अच्छी लगती है नूडल्स, आप लोग भी ऐसे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो मैं ना बच्चों को ऐसे ही देती हूँ बिना फ्राई किए हुए, तो उन लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, उन लोग को अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे जब तक नूडल्स बन रही है तब तक देखिए मम्मी जी भी कद्दूकस कर रही हैं। तो और उसके बाद फिर मैं सोची कि बॉटल सारे खाली हो गए थे, तो मैं सोची कि चलो तब तक मैं, जब तक नूडल्स बन रहे हैं तो मैं फटाफट से सारे बॉटल्स में पानी भी भर लेती। तो सुबह ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा काम रहता है, एकदम हड़बड़ हड़बड़, फिर स्कूल भी उसको निकलना है, तो ये सारे काम ना फ्रेंड्स ईशाना के स्कूल जाने के पहले के ही है। अभी वो मतलब ब्रेकफास्ट करेगी, तैयार होगी, तब फिर स्कूल जाएगी। तो सोच लीजिए कि 5 बजे से लेके कितने काम सुबह से होते हैं, कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मेरे नूडल्स भी बन गए। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा टोमेटो सॉस ऐड कर देती हूँ जिससे कि बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी ऐसे बना के ना ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कि ईशाना उठ गई है, रेडी हो गई है, उसको उठाना पड़ता है फ्रेंड्स। अभी ठंड से ना इतनी असकत हो रही है कि वो उठती नहीं है जल्दी, तो मुझे ज़ोर से बोल के उसे उठाना पड़ता है। तो यहाँ वो उठ गई है, ब्रश कर ली है, और अभी 2 दिन पहले उसको फीवर हो गया था फ्रेंड्स, तो इसीलिए वो नहाई नहीं है, बस कपड़े हाथ पैर धो के कपड़े चेंज कर लिए। और यहाँ पे नूडल्स बन गया है और मेरे देखिए कि बॉटल्स भी सारे भर गए हैं, तो ये भी काम हो गया है। और मैं पापा जी लोग के रूम में भी बॉटल रख के आ जा रही हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए कि मेरे रूम में मच्छरदानी अभी लगी हुई है। ईशाना रेडी हो गई है तो वो खुद से कपड़े पहन लेती है फ्रेंड्स, इस चीज़ का अभी परेशानी नहीं है कि उसे रेडी करना है, वो अपने कपड़े खुद से मैं निकाल के दे देती हूँ तो वो पहन लेती है। अब मैं ईशाना को दे देती हूँ नूडल्स खाने के लिए, तो वो ईशाना खा लेगी नूडल्स, उसके बाद फिर मैं उसके बाल बाल झाड़ूंगी, उसको चोटी बना दूँगी, उसके बाद फिर चली जाएगी ईशाना स्कूल। तो मैं उसे पूछ रही थी कि सारी प्रिपरेशन तो मैंने कराई है, लेकिन फिर भी मैं उसे मतलब कुछ कुछ पूछ रही थी ताकि वो कुछ भूले या नहीं, क्योंकि स्पेलिंग कुछ कुछ मिस्टेक करती है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये पॉपअप वाला जो गेम है, आप लोग देख सकते हैं कि इन लोग की मतलब कि क्या ही बोले, इन लोग की शैतानियाँ, मतलब एक पॉपअप वहाँ से गायब ही कर दिया, बताइए कि। और ये खुशी का काम है फ्रेंड्स, खुशी ना कैची लेके उसको कट करके पूरा, सोच लीजिए कि वो कितनी बदमाशी करती है, कट करके पूरा सर्कल कर दिए उसको, पूरा निकाल दी है पॉपअप। वही ईशाना बता रही थी कि ना मम्मी ये ना खुशी की है। तो ये सारी चीज़ें इन लोग करते रहते हैं फ्रेंड्स, मैं क्या करूं, बच्चे बहुत ही बदमाशी करते हैं। तो यहाँ पे मैं खुशी ईशाना के हेयर कॉम कर दे रही हूँ, और देखिए ईशाना भी मतलब अभी भी वो लगता है ना कि 2 साल की छोटी बच्ची है, वो भी देखिए कैसे पॉपअप से खेल रही है। तो यहाँ पे ईशाना हो गई है रेडी स्कूल जाने के लिए, और हेयर बैंड खुद से कैसे लगा रही है, तो ये सारी इसकी जो शरारतें होती है ना फ्रेंड, देखने में बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे ईशाना का शूज़ मैं पॉलिश कर दे रही हूँ, हल्का पॉलिश था ही फ्रेंड्स, बस हल्का सा ब्रश लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए कि मैं वहाँ पॉलिश कर रही थी और ईशाना यहाँ पे अपना पॉपअप दिखा रही है, और मुझे कह रही थी मम्मी कैमरा में बहुत अच्छा आ रहा था इसलिए मैं दिखा रही थी। तो यहाँ पे ईशाना शूज़ पहन ली है, बाकी सारे शूज़ को मैं अंदर रख दी हूँ। और उसके बाद फिर ईशाना अब जा रही है दादी को प्रणाम करने के लिए। यहाँ मम्मी जी सारे कपड़े फोल्ड कर रही है जो कि कल मैं धोई थी, छत पे डाल के आई थी, फिर शाम को मैं वॉक करने के बाद लेके आई थी छत से, तो मैं ऐसे ही रख दी थी, तो मम्मी जी वही फोल्ड कर रही हैं। ईशाना जा रही है अब स्कूल, चली गई लिफ्ट में अकेले, नीचे पापा जी वेट कर रहे हैं, तो पापा जी के साथ ही जाती है। और ईशाना की जाते ही खुशी उठ के बैठ गई थी फ्रेंड्स, अगर ईशाना घर में रहती ना तो खुशी भी पक्का जाती, क्योंकि वो अपनी दीदी के साथ डेली जाती है स्कूल। तो क्योंकि खुशी को आज उठने में लेट हो गया इसीलिए ईशाना दीदी चली गई और खुशी बैठे रह गई घर में। तो यहाँ मैं फटाफट से अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेड के आने के पहले मैं सारी डस्टिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स, ताकि साफ़ सफाई घर की अच्छे से हो जाए। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपने रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ।
और मैं यहाँ पे रूम अपना क्लीन कर रही थी, तब तक देख लीजिए फ्रेंड्स की खुशी कहाँ पे चढ़ी है। और मैं बोल रही थी वहाँ से गिरेगी तो क्या होगा, और वो वहाँ पे चढ़ के बदमाशी कर रही थी, मम्मा मम्मा चिल्ला रही थी, बोल रही थी ये निकालो वो निकालो। तो ऐसे ही करती रहती है फ्रेंड्स घर में। तो यहाँ पे मेरा रूम हो गया है क्लीन फ्रेंड्स, देख लीजिए कि मैं सब झाड़ ली हूँ, पर्दे वर्दे सब हटा दी हूँ। तो मेरा रूम हो गया है सेट। अब मैं हॉल में जो भी है सोफ़ा वोफ़ा सब मैं झाड़ूंगी हटाऊंगी, पर उसके पहले मैं पापा जी लोग को नाश्ता दे दूंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मैं नाश्ता दे दी थी, तो यहाँ मम्मी पापा लोग चाय पी रहे हैं नाश्ता करने के बाद। अब मैं फटाफट से हॉल की क्लीनिंग कर लूँगी फ्रेंड्स से। तो मैं ये सारी चीज़ें झाड़ दूँगी, साफ़ सफ़ाई कर दूंगी, ताकि मेड आएगी तो अच्छे से साफ़ सफ़ाई हो जाएगी। और एक चीज़ है फ्रेंड कि ये सारी चीज़ें ना मेरे हस्बैंड पटना से भिजवाए हैं बच्चे लोग के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ भिजवाए हैं इसके पापा, वो भी पटना से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे है मखाना, जो कि कितना अच्छा लग रहा है। तो ये मखाना भिजवाए हैं बच्चों के लिए, मतलब सबके लिए। और यहाँ पे चिप्स है जो कि फ्राई करके खाते हैं, और छुआड़ा है और काजू है। तो ये सारी चीज़ें देख के ना खुशी इतनी खुश हो गई कि दादी को बोल रही है थैंक यू दादी, दो बार दादी से गले मिली है और दादी को थैंक यू बोल रही थी कि दादी मेरे लिए ये सारी चीज़ें लाने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब मैं फटाफट से सामने वाला बेड में साफ़ कर लेती हूँ, ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे दिन भर खेलते हैं फैलाते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए सुबह सुबह डीप क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सारा दिन तो आप नहीं कर पाते, लेकिन सुबह और शाम ज़रूरी है करना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सुबह सुबह तो मैं बहुत ही अच्छे से साफ़ सफ़ाई कर देती हूँ, उसके बाद फिर इन लोग खेलती है फैलाती है, तो वो तो दिन भर का लगा रहता है फ्रेंड्स, वो तो सारा दिन झाड़ना ही है, पर यहाँ सुबह सुबह झाड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मैं सारा सोफ़ा भी मैं झाड़ के साफ़ सफ़ाई कर देती हूँ। तो एक तरह से बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि ये ना डेली का आपका एक एक्सरसाइज ही हो रहा है, उठा पटक करके आप ऐसे सामान चीज़ें झाड़ रहे हैं, तो आपका हाथ का पैर का एक्सरसाइज होते रहता है। तो ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग खुद के लिए टाइम नहीं निकालते। और यहाँ पे देख लीजिए कि एक कवर मुझे बहुत परेशान कर रहा था, बार बार नीचे गिर जा रहा था, तो दो तीन बार गिरा है, उसके बाद देखिए फिर गिर गया, तो मैं तो परेशान ही हो गई थी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मैं सोफ़ा वोफ़ा सब क्लीन कर दी हूँ, सब झाड़ दी हूँ। और अभी मैं फिर सोच रही थी फ्रेंड्स कि सब क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए, फिर नहा के पूजा वूजा कर लूँगी, पूजा करने के बाद ही मैं फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सारा सोफ़ा मैं क्लीन कर दूँगी, और
आप लोग को अगर पता है फ्रेंड्स कि सोफ़ा कैसे क्लीन होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ना कोई भी आइडिया नहीं आ रहा है। मैंने कुछ कुछ ट्रिक तो आज़माया है जिससे कि क्लीन हुई है, पर मुझे ना आप लोग की राय चाहिए कि ये सोफ़ा को कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे ब्लैक हल्का दाग जैसा दिख रहा होगा। तो अगर आप लोग को पता है फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट करके ना ज़रूर बताइएगा कि सोफ़ा को कैसे क्लीन कर सकते हैं हम लोग घर पे बिना किसी तामझाम के एकदम आसानी से। तो अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैं अपने हेयर कॉम कर ले रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो मैं बाल समेट लूँगी क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे को हेयर नहीं धोते हैं, यहाँ हमारे यहाँ नहीं धोते हैं। और पापा जी रेडी हो गए हैं ईशाना को लाने के लिए, तो पापा जी जा रहे हैं ईशाना को लाने के लिए। यहाँ पे खुशी टाटा बाय बाय कर रही है पापा जी को और खुद से गेट बंद कर दी है बाय बाय बोल के बाबा को, और यहाँ पे वो अपना खेलने में बिजी हो गई है। तब तक मैं अपने बाल झाड़ ले रही हूँ क्योंकि हेयर फॉल इतना हो रहा है फ्रेंड्स कि मैं कुछ नहीं बता सकती, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो मेड के आने के पहले मैं बाल अपना झाड़ लेती हूँ ताकि फिर हेयर जो भी गिरे तो वो बाद में ना गिरे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि कितना सारा हेयर निकल गया है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने और फिर मैं नहा के आ गई हूँ। और यहाँ पे खुशी मेरा फ़ोन लेके वीडियो देख के डांस कर रही थी फ्रेंड्स। तो और यहाँ पे देख लीजिए कि अब खुश ईशाना भी आ गई है स्कूल से और खुशी को के लिए लेके आई है चिप्स और चोको पाई, क्या क्या चीज़ें हमेशा लेके आती रहती है फ्रेंड्स। तो इन लोग का ना यही सब खा वा के ना पेट भरा हुआ रहता है, तो मना करने से सुनती भी नहीं है। मैं बोल रही हूँ ईशाना को कि मुझे भी दो, तो खुशी तो बोल रही है नहीं मैं मम्मी को नहीं दूंगी, तो ईशाना में थोड़ा दया भावना है तो वो दे दी। और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा फ़ोन गिरा धड़ाम से, तो मैं सोची कि जा गया स्क्रीन, लेकिन थैंक गॉड कि स्क्रीन मेरा बच गया। इतनी ज़ोर से फ़ोन मतलब हाथ में ऐसे पकड़ी थी रिकॉर्ड कर रही थी ना, तब तक हाथ से छूट के सीधा स्क्रीन ही गिरा है ज़मीन पे। तो स्क्रीन कवर तो लगा हुआ है फ्रेंड्स, फिर भी मुझे डर था कि कहीं टूट ना जाए। टूट जाएगा तो फिर सोच लीजिए कि हो गया व्लॉग बनाना, क्योंकि हस्बैंड इतने जल्दी फ़ोन नहीं ख़रीदने वाले फ्रेंड्स। और यहाँ पे काम सब हो गया है, फिनिश हो गया है, तो मैं पर्दे सारे खोल देती हूँ। ईशाना भी आ गई है, ड्रेस चेंज कर ली है और यहाँ पे बर्तन भी धुल गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री।